इंट्रोड्यूस किया था कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत कलंजलि जो उत्सव चल रहा है उसमें विज्ञान भारती के समक्ष कुछ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके साइंटिस्ट ने कैसे कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो आपके समक्ष जो है इस टाइम विद्या भारती स्कूल रोहनी के बच्चे हैं, इनके जो टीचर हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रदीप जी हैं। तो स्टूडेंट्स आर यू रेडी? ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नुक्कड़ नाटक विच विल बी फोकस्ड ऑन हाउ द साइंटिस्ट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडियन। सभी मेरे साथ जोर से बोलेंगे वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। देखिए एक ही सर की आवाज आ रही है, बाकी सबकी तो लगता है आवाज ही नहीं आ रही है। आप सब लोगों को चाय नहीं मिली लगता है? मिली किसी को? नहीं मिली। हवा मिली? नहीं मिली। गर्मी नहीं मिली, हवा नहीं मिली, लेकिन फिर भी देश का जज्बा, देशभक्ति का जज्बा हम सबके दिल में है। तो ये सब कुछ भूलकर एक बार जोर से बोलेंगे वंदे। वेरी गुड। वंदे 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 मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और देखिए भारत माता को याद करते ही हमारी गर्मी, हमारी प्यास और चाय की तलब सब खत्म हो गई ना? नहीं हुई तो मान लीजिए हो गई। तो आज हम याद करेंगे अपने वैज्ञानिकों को, अपने वैज्ञानिकों को याद करेंगे, वो वैज्ञानिक जिन्होंने हमारे देश की आजादी में योगदान दिया। हम जानते हैं गांधी जी को, चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को, लेकिन उनसे बहुत साल पहले हमारे जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वाधीनता की अलग जगाई, जिन्होंने लोगों के अंदर सत्याग्रह का आग्रह पैदा किया, वो थे हमारे वैज्ञानिक। और इन्हीं छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम इन वैज्ञानिकों को याद करेंगे और उनकी भूमिका को जानेंगे। इसी क्रम में आज हमारे सामने जो पहला कार्यक्रम है वो है नुक्कड़ नाटक, जो कि बच्चे करने जा रहे हैं विज्ञान भारती स्कूल से रोहिणी। और जैसे कि अभी हमारा स्टेज जो है तैयार हो रहा है, इन द मेन टाइम ठीक है, हमें भी जो है थोड़ी समझ है, साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज है, तो एक दो क्वेश्चंस हम जो है ऑडियंस से लेंगे और अगर आप सही आंसर उसका देते हैं तो एक स्पेशल प्राइज आपका वेट कर रहा है। चलिए ठीक है, तो इससे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपने रेज हैंड करना है, शाउट नहीं करना ठीक है, और जिसको कहा जाएगा वही आंसर देगा and the prize will be yours. Fine? Okay, so can you tell me the full name of APJ Abdul Kalam? Yes, this one. Aayi, please aage. Sir, aage aajaiye. Sir, aage aajaiye. अब्दुल पाकिर जाकिर कलाम। अब्दुल पाकिर जाकिर कलाम। लेट अस गिव दिस चांस टू सम अदर वन। अबुल पकुरी जैनू लाभ देन। अबुल पकीरी जैनू लाभ देन। APJ अब्दुल कलाम। अबुल पकीरी जैनू लाभ देन। It's Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. Okay, fine. Clap for the guy. Can you introduce yourself? My name is Aditya. Aditya, clap for Aditya. Please come on the stage, Aditya. Dr. Neil, please come on the stage to give the prize to Aditya. प्लीज तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। थैंक यू सो मच आदित्य। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। यस ओके, सो फोकस अगेन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
who is the father of Indian chemistry? Raise the hand. Father of Indian chemistry. Come in front, please. And any other raise hand? First chance to the girl and then you. I think it is wrong answer. No, come on. आप भी आ जाइए, अगर उनका गलत होगा तो आपको चांस मिलेगा। पहले हम ही बता सकते हैं उनको चांस। चंद्रशेखर वेंकट रमन। Say it again. Chandrasekhar Venkat Raman. Okay, good try, but not the right answer. Praful Chandra Roy. Right answer now. We have the winner with us. Right answer. Class for him, sir. आपका नाम? Brijesh Mishra is the Brijesh Mishra. Brijesh Mishra जी के लिए तालियां जोर से. Chandrasekhar Venkat Raman. Say it again. Chandrasekhar Venkat Raman. Okay, good try, but not the right answer. Praful Chandra Roy. Right answer now. We have the winner with us. Right answer. Class for him, sir. आपका नाम? Brijesh Mishra is the Brijesh Mishra. Brijesh Mishra जी के लिए तालियां जोर से. क्या आप जानते हैं इन तालियों के साथ बारिश को भी बुला सकते हैं हम? बुला सकते हैं? बच्चे को पता है? किस बच्चे को पता है कि तालियों से बारिश आती है? एक छोटे से प्यारे से बच्चे ने बोला अभी. आती है? आपको पता है कैसे आती है? आती होगी? नहीं आती? चलिए हम बताते हैं बारिश कैसे आती है. ओके सो वन, वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मींस टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम तो आपने सबसे सुना होगा. टेस्ट ट्यूब बेबी. इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी पहला किसने किया? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी एंड ही वाज एक्चुअली द फर्स्ट वन आल्सो इन द वर्ल्ड. टेस्ट ट्यूब बेबी. डॉक्टर. नेम ऑफ द डॉक्टर. सुभाष मुखोपाध्याय. सर आपका नाम? इंद्रपाल सोनी. आपने शायद मूवी देखी होगी एक डॉक्टर की मौत. इंद्रपाल सोनी जी. एक डॉक्टर की मौत. Who is the father of Indian nuclear program? Yes, आप सर आ जाइए. उम्मीद जागी बाबा. Right answer. Right answer. सर आपका नाम? दीपक राय. दीपक राय. Congratulations दीपक जी. तो आप सर एक चीज रह गई थी बारिश को बुलाना. तो बारिश को बुलाएं हम सब. तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी. एक मिनट बेटा आप इधर आ जाओ. लेकिन बारिश अगर आ गई तो हमारा नुक्कड़ नाटक कैसे होगा? सर हम नकली बारिश बुलाएंगे, असली को बता देंगे. सबसे पहले आप सभी लोग हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे अपना हाथ और एक फिंगर से इसको क्लैप करेंगे. ओनली वन फिंगर. सभी वन फिंगर. उसके बाद टू फिंगर्स. थ्री. ये बूंदा बांदी शुरू हो गई. अब थ्री फिंगर्स. नाउ फोर. ग्रेट ग्रेट. फाइव. वेल डन वेल डन. और इसी क्लैपिंग ने हमारे बच्चों के अंदर जोश भर दिया है. अब वो तो प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटक बाय विज्ञान भारती स्कूल रोहिणी. विद्या भारती स्कूल रोहिणी. अरे अरे सारे बैठो और नाटक देख के ही जाओ. Yeah.
जमूरो। तो जमूरो आखिरकार हम दिल्ली में आ ही गए। तो दिल्ली वासियों क्या देखना पसंद करोगे आप? बॉलीवुड, हॉलीवुड या टॉलीवुड? उस्ताद जी पढ़ाई करे। क्या करेगा पढ़ाई करके? बनेंगे। मैं तो डॉक्टर बनूंगी, सबको सुई लगाऊंगी। और तू क्या बनेगा? उस्ताद जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो साइंटिस्ट बनूंगी, रॉकेट उड़ाऊंगी। देखो नहीं पता। तो दिल्ली वासियों क्या जानते हैं क्या है साइंस? कौन है साइंटिस्ट? कौन बताएगा? उस्ताद जी मैं बताऊं? बताओ। साइंस मतलब अमेरिका और नासा। ना। तो दिल्ली वासियों क्या आप जानते हैं हमारे देश के कई महान वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी खोजें करके देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। उस्ताद मैं भी एक सवाल पूछूं? पूछो। सबसे पहले प्लेन किसने उड़ाया? अरे सीधे भाइयों ने। पर ये तो हमारे शास्त्र में पहले से ही लिखा है। कौन से शास्त्र में? विमान शास्त्र में। विमान शास्त्र में इंडिया और हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने कितने परिश्रम करके ये खोज की, लेकिन उसके बावजूद भी आज के हमारे युग में उनके बारे में ना के बराबर जानकारी है। ऐसा क्यों? अरे भाई वही तो एक वजह। हाय रे बेटे, हाय रे बेटे। गाड़ी बना तो पेटेंट करा लो। पेन बना तो पेटेंट करा लो। अरे अरे पड़ोसी के घर पे कुछ बन रहा है। उस्ताद उस्ताद पेटेंट करा लो। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आवे भैया आवे नाटक वाले आवे। हिमालय की ठंड उड़ी बाबा। अरे भाई पहुंच गए। अरे भाई और कितना चलना पड़ेगा? अरे भाइयों तुम चलते रहो और चलते रहो। हे विशाल पर्वत अब आप ही बताइए और कितना चलना और चढ़ना पड़ेगा? पहले तुम कंचनजंगा को सबसे ऊंची चोटी कहते थे, पर आज मुझे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्या तुम बता सकते हो मेरी ऊंचाई सबसे पहले किसने नापी? किसने नापी? हे विशाल पर्वत आपकी ऊंचाई से ज्यादा तो आपके प्रश्नों से डर लग रहा है। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अरे भाई रुको जरा सबर करो। क्या तुम जानते हो ये माउंट एवरेस्ट कहलाए जाने वाला हिमालय पर्वत इसके नामकरण से पहले इसको पीक 15 के नाम से जाना जाता था। राधानाथ सिकदर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा। जॉर्ज एवरेस्ट ने राधानाथ सिकदर को एज अ कंपाउंडर की पोस्ट पे अपॉइंट किया और राधानाथ सिकदर ने 6 जगह से 15 तरह का डाटा कलेक्ट किया और 4 साल की मेहनत रंग लाई। सर मुझे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पीक 15 की ऊंचाई का पता लग गया है। ओके
ओके ओके शो मी लीजिए सर आई विल चेक और इसी के बाद रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी ने जॉर्ज एवरेस्ट को रेकमेंड किया कि पीक 15 का नाम बदल के माउंट एवरेस्ट रख दिया जाए। अगर पीक 15 की ऊंचाई राधानाथ सिंगर ने नापी है तो इसका नाम माउंट एवरेस्ट क्यों रखा गया? अरे भाई अभी तो बताया वही एक वजह। हाय रे पेटे, हाय रे पेटे। अरे भाई मैं तो सुबह से थक गई हूँ सोच सोच के कि ये दुनिया बनी कैसे। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और कौन कौन? गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल ये क्या होता है? गॉड पार्टिकल सत्येंद्रनाथ बोस जिन्होंने इस सदी की सबसे बड़ी खोज की गॉड पार्टिकल्स। सत्येंद्रनाथ बोस वह व्यक्ति थे जिन्होंने एक लेख लिखा प्लांक्स लॉ एंड लाइफ क्वांटम जिसे भारत की किसी पत्रिका या पत्रकार ने नहीं छापा। इसीलिए सत्येंद्रनाथ बोस ने उस लेख को आइंस्टाइन को भेज दिया। आइंस्टाइन ने खुद उस पर जर्मन में अनुवाद कर उसे प्रकाशित करा दिया। सत्येंद्रनाथ बोस अपने यूरोप दौरे पर आइंस्टाइन से मिले थे। सन 1926 में वे भारत वापस लौटे और ढाका विश्वविद्यालय में उन्होंने काम किया। उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए उन्हें सदा याद रखा जाएगा। हेलो 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 फ्रेंड्स चाय पी लो। हेलो 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 हेलो। अरे किसका बटन? आईफोन। सैमसंग। ओप्पो। ये खाया हुआ एप्पल और सैमसंग जैसे फोन तो आपके पास भी होंगे लेकिन आपको पता है सेल फोन्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज रेडियो वेव का आविष्कार किसने करा? जगदीश चंद्र बोस। वह भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे जिन्होंने अमेरिकन पेटेंट को प्राप्त किया। अरे हाँ भाई हाँ अमेरिकन पेटेंट को प्राप्त किया। मिस्टर जगदीश यू आर डूइंग अ यूजलेस जॉब यू आर वेस्टिंग आवर टाइम। सर प्लीज गिव मी अ चांस। ओके बट डू इट फास्ट वी आर नॉट हैविंग मच टाइम। ओके जगदीश कैन ट्रीज ऑल्सो फील द इलेक्ट्रिक वेव्स? दैट इज अ थिंग आई वांट टू प्रूव यू। ओके जगदीश यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जगदीश चंद्र बोस जिन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि मनुष्य और जानवरों की तरह ही पेड़ों के अंदर भी जान होती है जिसमें हम भारतीय हमेशा से विश्वास रखते हैं। उन्होंने यह एक यंत्र कैस्कोग्राफ के द्वारा इसे साबित किया। हो गई है कि पर्वत से पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दरवाजे पर्दों की तरह हिलने लगे पर शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर दास चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं बल्कि पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आप चाहे मेरे सीने में हो या तुम्हारे सीने में लेकिन आग जलनी चाहिए। आग जलनी चाहिए। आग जलनी चाहिए। बोल क्लब आजाद है तेरे बोल जुबा अब तक तेरी है तेरा सतवा जिसमें तेरा बोल की जा अब तक तेरी है।
सी रे और मेघनाथ शाह जी से मिलवाता हूँ। जहाँ ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही वहाँ के ऑफिस में छत थी।
और आज इसे सब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1975 में नासा से संपर्क कर सैटेलाइट टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट की स्थापना भी करी। और इसी के बाद भारत में टीवी का दौर शुरू हुआ। 1966 में भारतीय सरकार ने विक्रम साराभाई को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा। आज 14 जुलाई 2023 को भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। जमूरों ने क्या सीखा? चलो अब मेरे जमूरों को और इन दिल्ली वासियों को विज्ञान का ज्ञान हो चुका। उस्ताद जी अब आगे भी चलो, और भी तो नाटक दिखाना है। चलो दोस्तों आते हैं। आ गए भैया नाटक वाले। हमने स्टार्टिंग में जो है बरसात बुला ली थी, तो शायद बरसात आ ही ना जाए सच्ची में। तो हम जो है समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी अगली बरसात के लिए मैत्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाना चाहेंगे, जो आपके सामने एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। और इस नृत्य का नाम है नृत्य आकृति। मैत्री कॉलेज स्टूडेंट प्लीज कम ऑन द स्टेज। A celebrated folk dance from Tamil Nadu. With sheer dedication and immense talent, Nrityavati consistently emerged victorious, bagging the first position at prestigious cultural competitions such as the Miranda Cultural Council, Gagi College, Geetam, Maharaja Agrasen College, among others. These accomplishments serve as a testament to our commitment and passion for Karagatam, which involves balancing of beautiful cords weighing around 3 to 4 kilograms directly on the dancers' heads without any support. Apart from this art of balancing, the members of Nrityavati have worked tirelessly to perfect every aspect of Karagatam, including the intricate footwork, graceful body movements, and the vibrant display of our props.
तो बनती हैं। तो बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत होना चाहिए, इन बच्चों का धन्यवाद होना चाहिए। ये बच्चे हैं मैत्री कॉलेज से। और अब मैं आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर राजीव सिंह जी को कि वो इन बच्चों को धन्यवाद करें। और इसके तालियां तो बजती रहनी चाहिए। आप लोगों की ये तालियां जोश देती है मेहनत करने वालों को, ऊर्जा देती है और अच्छा करने के लिए। इनके साथ जो भी लोग बैक स्टेज इनके साथ जुड़े हुए हैं वो सभी स्टेज पर आमंत्रित हैं। वो लोग बहुत मायने रखते हैं जो स्टेज के पीछे होते हैं, क्योंकि वो नजर नहीं आते हैं लेकिन जो उनकी मेहनत है वो प्रदर्शन करने वालों में नजर आती है, तो उनके लिए तो डबल तालियां बनती हैं। मान्य उत्कर्ष अंश एंजल अयांश माही गुरप्रीत श्रेया दीपक हर्या एंड द लास्ट वन दक्ष। इसी के साथ इस नुक्कड़ नाटक के जो मेंटर थे वो है मिस्टर दीपक गंधानी। आपसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं, क्योंकि आपके बिना ये जो नुक्कड़ नाटक था संभव नहीं हो सकता था। तो जो बैक स्टोर पर आपने बच्चों को इकट्ठा करने का कार्यक्रम हमारे लिए किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। कृपया सभी जो है जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। दीपक जी आपके बच्चे हैं। कुछ
clap for Nukkad Natak team, please. अमित जी और ध्रुव जी, नील जी प्लीज आप भी स्टेज पर आ जाइए. अमित जी, ध्रुव जी, नील जी आइए, प्लीज आइए, आइए प्लीज प्लीज. हमारी दूसरी प्रस्तुति थी आज के कार्यक्रम की. आप सभी को मालूम है कलंजलि के बैलन तले हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं इंटरप्रेस विज्ञान भारती की तरफ से, और जिसको सपोर्ट भी मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरी प्रस्तुति जो कि एक मेडली ऑफ डांस की होगी, और इसमें जो है हमारे पास जो है चार जो है स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रस्तुति को देंगे. तो मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूँ आदित्य कुमार, पीएचडी स्टूडेंट से आईयूएसी से, सुप्रिया मेहता आईयूएसी से ही हैं, मिस्टर राज गिटार पर साथ देंगे इस प्रस्तुति में, और अमोक दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं. तो इस प्रस्तुति का आप सभी जो है आनंद लीजिए, एक जोरदार क्लैपिंग से इन सभी का स्वागत करेंगे, और ये प्रस्तुति आपके समक्ष अब प्रस्तुत है. साइंटिस्टों के लिए ये उत्सव मना रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हम भी साइंस की तरफ से हैं थोड़ा सा. हम भी अपना कोशिश करते हैं कि साइंस को अपना कुछ इनपुट दे पाए. सो आज क्योंकि ये म्यूजिकल इवेंट है, सो वी आर ट्राइंग. ऐसे तो साइंटिस्ट लोग सिर्फ पढ़ते हैं, ओके. हालांकि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, ओके, बट वी विल ट्राई टुडे कि आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन कर सके बाय सम पैट्रियोटिक सॉन्ग एंड सम हिंदी नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग. Okay, so we will start with the flute. We will try to entertain you with different type of instruments we have here. We will sing, we will have a drum set. Okay, so I hope you will enjoy, and please do clap for you guys. Thank you. Ooh.
मूवी का म्यूजिक है, जो भी म्यूजिक आपको बताएगा उसको यहाँ पे हमारी टीम की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा अभी सभी के सामने। रेडी रेडी आप सब लोग यहाँ से बाजी।